जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर के दौरान बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल और कार देने वाले बहुत ही किस्से सुने होंगे, लेकिन यूपी के हमीरपुर में पूर्व सैन्य कर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दे दिया है, जिसका वीडियो सामने आया है। उनका कहना है कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी, बेटी को दामाद से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे, दो तीन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। दरअसल मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देव गांव का है। यहां रहने वाले विकास उर्फ योगेंद्र एयरफोर्स में है। उनके पिता स्वामीदीन चक्रवर्ती ने योगेंद्र की शादी पास ही के रहने वाले पूर्व सैन्य कर्मी परशुराम प्रजापति की बेटी नेहा से तय कर दी थी। नेहा सिविल डिफेंस की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को नेहा योगेंद्र की शादी सिविल लॉन गार्डन गेस्ट हाउस में धूमधाम से हुई थी। सुबह जब विदाई हुई तो दुल्हन को पिता ने दहेज में बुलडोजर देकर सभी को चौंका दिया। दूल्हे के पिता स्वामीदीन ने बताया कि हमें बहू के पिता ने बुलडोजर देने की बात बताई थी, हम भी उनकी बात से सहमत थे। गिफ्ट में बुलडोजर देकर बराती हैरान हो गए और कई लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। तो दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।